हेलो व्यूवर्स, आज हम अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस के माध्यम से आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है विज्ञान। विज्ञान का इंट्रोडक्शन क्या है, विज्ञान का कब उद्भव हुआ या भारत में विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विज्ञान का उद्भव के बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान का जो विकास है या उद्भव है, प्रारंभ में लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व, 3000 से 4000 ईसा पूर्व वेदों का समय माना जाता है। वेदों का काल या समय माना जाता है कि विज्ञान सबसे पहले वेदों के समय से ही प्रारंभ हुई है, क्योंकि ऋग्वेद में आपको पता है कि चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस तरह से चार वेद हैं, जिसमें पहला सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें विज्ञान से संबंधित बहुत सारे जितने ही पूजा पाठ के क्रियाकर्म हैं कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए, उसका वर्णन किया गया है। सामवेद में आपको शराब बनाने की विधि का वर्णन किया गया है, और इस समय शराब को मदिरा कहते थे। आपको पता ही है कि इस समय मदिरा या शराब जो है वो विज्ञान के अंतर्गत ही बनाई जाती है। यजुर्वेद का एक उपशाखा है जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं। तो आयुर्वेद में जो मेडिसिन है, खासतौर से पारा या पारा से बनी हुई दवाइयां हैं, वो सभी आपका यजुर्वेद में वर्णित होती है। तो इस तरह से ही विज्ञान का उद्भव 3000 से 4000 ईसा पूर्व वेदों का काल माना जाता है। इसके संबंध में कहा जाता है कि पूर्व में जितनी भी क्रियाएं होती थीं, उसमें किसी न किसी तरह से विज्ञान का हस्तक्षेप होता था। प्रारंभ में जब ऋग्वेद या यजुर्वेद थे, तो उस समय विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता था, बल्कि जो व्यक्ति विद्वान था, विज्ञान को विद्वान के बेस में माना जाता था कि जो व्यक्ति ज्ञाता हो गया है वो एक वैज्ञानिक हो गया है, क्योंकि उसमें सभी क्रियाओं को करने का एक निश्चित क्रम या पैटर्न उसे पता है कि हमें किस तरह से उसे करना चाहिए। मध्यकाल में इसका प्रारंभ माना जाता है। वैसे 19वीं सदी में पहली बार आपका वैज्ञानिक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसका प्रयोग विलियम बावेल ने विलियम बावेल ने 1883 में किया था। इससे पूर्व 19वीं सदी से पूर्व, यानी आपका 17वीं सदी और 18वीं सदी, पूर्व विज्ञान को हम विज्ञान ना मान के प्राकृतिक दर्शन शब्द से अध्ययन करते थे। प्राकृतिक दर्शन, इसके अंतर्गत हम विज्ञान का अध्ययन किया करते थे। जब हमारे 19वीं सदी प्रारंभ हुई, तो विज्ञान को हम प्रकृति विज्ञान के नाम से 19वीं सदी में
में हमने इसे प्रकृति विज्ञान माना था, प्राकृतिक दर्शन के बेस पर प्रकृति विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान। इसके आधार पर हमने विज्ञान का अध्ययन किया। विज्ञान जो है इसके संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों का बहुत अपने अपने देश के आधार पर अलग अलग इसकी परिभाषाएं डिसाइड की गई हैं, बताई गई हैं। तो भारत के सापेक्ष हमारे भारतीय विज्ञान के अंतर्गत हम मानते हैं कि ये प्रारंभ में विज्ञान जो प्रकृति विज्ञान थी तो इसके दो भाग थे। पहला भाग था सजीव विज्ञान और दूसरा विज्ञान था निर्जीव विज्ञान। इस तरह से हम प्राकृतिक विज्ञान को सजीव और निर्जीव दो विज्ञानों के अंतर्गत अध्ययन किया करते थे। इसी सजीव निर्जीव को 19वीं सदी से पूर्व 19वीं सदी के दौरान हम सजीव विज्ञान में जीव विज्ञान का अध्ययन करते थे, और जबकि आपका निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन करते थे। यही विज्ञान आपका जंतु विज्ञान जो जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में विभाजित हो गई। अब हम कुछ विज्ञान इसके विज्ञान की अर्थ और परिभाषा का थोड़ा सा अध्ययन कर लें, और उसके बाद हम विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान जो है वो दो शब्द से बन के बना है, बी प्लस ज्ञान। हिंदी में विज्ञान की अगर संधि विधियां विकसित की जाए तो बी प्लस ज्ञान विज्ञान क्या होता है, जिसका बी का अर्थ जो होता है वो होता है क्रम, और ज्ञान का अर्थ जो होता है वो है अध्ययन करना। तो इस दोनों के आधार पर क्रम से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान जो संस्कृत भाषा में विज्ञ धातु से बना हुआ है, विज्ञ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ आपका विद्वान होता है। विद्वान यह आपका ज्ञानी, और ज्ञान किसे आता है, जो उसको नहीं ज्यादा पढ़ लिख लेता है या जिसका अध्ययन बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही विज्ञान जो है उर्दू में इसे इल्म बोलते हैं, इल्म, और उर्दू में इल्म कहने का कारण है जिसे ज्ञान प्राप्त हो या जिसने प्रैक्टिस अधिक कर रखी हो उसको आपको इल्म कहते हैं, जिसने ज्यादातर इसका आदमी उपयोग कर रखा हो। इसके अलावा जो है विज्ञान अलग अलग जैसे वर्ड अलग भाषाओं में अलग अलग दिया गया है, इसी को विज्ञान जो है वो साइंस अंग्रेजी का वर्ड है, साइंस SCIENCE साइंस जो है साइंटिया शब्द से बना है। साइंटिया
और साइंटिया का अर्थ जो होता है वो होता है प्रयोगों द्वारा आधारित। साइंटिया जो है प्रयोगों द्वारा आधारित ज्ञान है, अर्थात हम मान सकते हैं क्रम से क्रिया का किया गया कार्य, क्रम से किया गया कार्य, ये आपका साइंस है, वो आपका ग्रीक वर्ड है। इसके अलावा हमारे पास, हमने जब आपका जूनियर की क्लासों में कक्षा में विज्ञान की किताब का नाम क्या था, विज्ञान की किताब का नाम था विज्ञान आओ करके सीखें, इन सभी परिभाषाओं से या सभी शब्दों से सार क्या निकलता है, सार ये है कि प्रयोग पर आधारित, प्रयोग पर आधारित या सीखा गया, क्रम से अध्ययन, विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या हुई, इसकी जो परिभाषा हुई, किसी विषय का क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित ज्ञान या अध्ययन विज्ञान कहलाता है। क्योंकि विज्ञान जो है किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि इसे अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ ना कुछ नया खोजा है, नया इसमें नई चीज कुछ बनाई है, परिभाषित किया है। लेकिन फिर भी गैलीलियो को गैलीलियो नामक जो वैज्ञानिक है, इन्हें विज्ञान का पिता माना जाता है। गैलीलियो को विज्ञान का पिता माना जाता है। इनके अनुसार विज्ञान जो है वह व्यवस्था, गैलीलियो के अनुसार वह व्यवस्थित ज्ञान ज्ञान है, वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, जो आपका विचार अवलोकन अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, विज्ञान कहलाता है।
विज्ञान शब्द जो है शब्द का प्रयोग जो है ज्ञान से लिया जाता है, का प्रयोग ज्ञान से लिया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जो है कुछ वैज्ञानिकों का जो मानना है वो मानना है कि विज्ञान जो है तथ्यों पर आधारित ज्ञान है। तथ्यों पर आधारित ज्ञान है जो सिद्धांत तरीकों के प्रयोग परिकल्पना को स्थापित करना और व्यवस्थित करना विज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग अलग शब्द के आधार पर इनको परिभाषित किया गया है। जो आपका इस समय जो बहुत ज्यादा प्रचलित साइंटिस्ट हैं जैसे आइंस्टीन है, क्या है आइंस्टीन, आइंस्टीन ने जो विज्ञान को कहा गया है तो विज्ञान कहा है कि तर्कपूर्ण प्रणाली पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। आइंस्टीन ने इस तरह से इसको नहीं परिभाषित किया है कि जो विज्ञान जो ज्ञान है तर्कपूर्ण प्रणाली पर आधारित होता है उसे विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से एक और वैज्ञानिक है जो हक्सले के अनुसार जो तर्क और परमाणु पर आधारित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग समय पर अपने अपने विज्ञान से संबंधित तर्क दिए हैं, परिचय दिया है, उसका अर्थ निकाला है। अब हम बात करते हैं शाखाएं। तो विज्ञान की शाखाएं क्या है? विज्ञान की शाखाएं तो प्राचीन काल में विज्ञान को हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने बताया है कि प्राकृतिक विज्ञान कहते थे। और इसकी जो शाखाएं थी वो दो थी, नंबर एक आपका सजीव विज्ञान
और नंबर दो निर्जीव विज्ञान। इस तरह से पूर्व काल में या 17वीं शताब्दी के आसपास तक हम विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान मानते थे और उसमें सही और निर्जीव पदार्थों के आधार पर इसका अध्ययन किया करते थे। सजीव विज्ञान में हमने बाद में सजीव विज्ञान को हमने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इस तरह से दो भागों में बांटा, जबकि निर्जीव विज्ञान को हमने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बांटा। ये हमारे प्राचीन विज्ञान की बात कर ली है कि प्राकृतिक विज्ञान जो है वस्तुओं पर आधारित ज्ञान था। किस पर? वस्तुओं पर। वस्तुओं के आधार पर उन्हें सजीव और निर्जीव दो भागों में बांटा था, जबकि आधुनिक समय में जो विज्ञान की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है नंबर एक भौतिक विज्ञान, नंबर दो रसायन विज्ञान नंबर तीन आपका कृषि विज्ञान नंबर चार ग्रह विज्ञान नंबर पांच खगोल विज्ञान नंबर छह अंतरिक्ष विज्ञान नंबर सात जो है खाद्य विज्ञान खाद्य या पोषण विज्ञान नंबर जो आठ है वो है आपका जीव विज्ञान। नंबर नौ आपका शरीर संरचना विज्ञान नंबर दस कीट विज्ञान नंबर ग्यारह पक्षी विज्ञान नंबर बारह समुद्र विज्ञान नंबर तेरह रोग विज्ञान नंबर चौदह जो है वो आपका रुधिर विज्ञान है नंबर पंद्रह ये है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान नंबर सत्रह और सोलह सूक्ष्म विज्ञान भू विज्ञान इसके अलावा हमने अभी आपको
लगभग 16 विज्ञान की शाखाएं बताई हैं। इसके अलावा लगभग 54 तरह की विज्ञान है जो किसी न किसी तरह से हम उसका नहीं अध्ययन करते हैं। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आगे चल के बहुत सारे इसी तरह से किसी एक टॉपिक पर पूर्ण रूप से डिस्कशन आपसे कर सकें और आपको नई से नई जानकारी दे सकें। आज की वीडियो में इतना ही, सेस नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।